चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि उसने जो ड्रामे छत पे किए हैं वो अगर बाहर करता, मैं बाहर मिल लेती तो वो क्या क्या, मतलब कितनी पब्लिक जमा हो जाती है, कितने ड्रामे होते हैं। ठीक है, सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि करण ना विशांत आया था मेरे पास, मतलब कि मैंने उसको रूम में नहीं बुलाया अपने, ठीक है, मैंने उसको टेरेस पे बुलाया था, मतलब कि बाहर आके और मुझे फ़ोन वोन करने लगा और बोलने लगा कि मैं अंदर आ जाता हूँ या तो फिर बाहर आ जा। अब बाहर मुझे ड्रामे दिखाने थे, मैंने उसको छत पे बुलाया और आपने देखा भी, उसने छत पे, मतलब कि छत पे इतने ड्रामे कर रहा था, बाहर ऐसे ड्रामे करता तो कितनी पब्लिक जमा हो जाती वहाँ पर, तो आप खुद देख सकते हो, उस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि उसने जो ड्रामे छत पे किए हैं वो अगर बाहर करता, मैं बाहर मिल लेती तो वो क्या क्या, मतलब कितनी पब्लिक जमा हो जाती है, कितने ड्रामे होते हैं। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात, वो आया मेरे पास, ठीक है, मैंने कहा था अगर हिम्मत है ना तो तुम मेरे घर पे आ जाना, ठीक है, तुम क्यों नहीं आए। मैं उसके पास गई थी तो मैं ना अकेली गई थी, आप लोगों ने भी देखा है और विचांत तू भी देख रहा होगा वीडियो, तो तू भी सुन ले, मैं तेरे पास अकेली आई थी, पर तू इतना बड़ा फट्टू है, तू अपने साथ अपने दोस्त को लेके आया, क्या कर लेगा तेरा दोस्त वो, हाँ वो तो एक बार बताओ, पहली बात तो कि ना मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी, ये हरकतें नहीं करनी थी कि हाँ तुम डर रहे थे ना जैसे कि मैं किसी को बुला लूँगी, ये करवा दूँगी वो करवा दूँगी, तो भाई मैं ना ये सब नहीं करवाती, ठीक है, और ना तो मुझे करनी थी, और अगर बाई चांस मुझे ये सब करना होता तो तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं कर पाता, समझ गए, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरह फट्टू है सारे सारे, ठीक है ना, जो तुम मेरी फ्रेंड को क्या बोलते हैं उसकी, उसके हस्बैंड को और दूसरी फ्रेंड को ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे थे ना, जरा होश में रह के तमीज में रह के बोल लो, ठीक है, मेरी वजह से रुके हुए हैं, मेरी श्रम की वजह से रुके हुए हैं वो लोग, नहीं तो तुझे ना तेरा जीना हराम कर देंगे वो, ठीक है, अगर मैंने एक बार छूट दे दी, वो उन्होंने वीडियो देखी थी, बहुत ज़्यादा भड़क रहे थे उन्होंने, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया रहने दो, ठीक है, दिमाग नहीं है उसके अंदर और फट्टू इंसान है वो, ठीक है, मर मुर जाएगा फालतू में, तो इसलिए मैंने रोक रखा है, मेरी शर्म की वजह से रुके हुए हैं, इसलिए विशांत तुझे बोल रही हूँ, तो तमीज में रहा, तमीज में रहें, ठीक है, और अपनी हद में, अपनी औकात में रह, लिमिट क्रॉस मत कर अपनी, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने लगा है, हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने लगा है, ठीक है, तेरे दोस्तों को मैं उल्टा सीधा नहीं बोलती ना, तो तेरा कोई हक नहीं बनता कि मेरी फ्रेंड को, उसके हस्बैंड को, किसी को बीच में ला के उल्टा सीधा बोलने का, और कोई भी नहीं सुनेगा, वो क्या, अगर कोई भी होगा ना तो कोई नहीं सुनेगा तेरी, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुझे, ठीक है ना, एक हाथ का नहीं है तू, ठीक है, जितना है ना उतना ही रहकर, और आप सब ने देखा होगा, आप सब बोल रहे हो मैं उसे माफ़ कर दूँ, कमेंट आ रही है सबकी, मैं माफ़ कर दूँ, चलो ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया, अरे माफ़ भी तो तभी करूँगी तब इंसान को अपनी गलती रिलाइज होगी, दिल से रिलाइज होगी, अरे ऊपर ऊपर से मन से बोल रहा है कि हाँ मैंने अपनी गलती मान ली, चलो मैंने ठीक है अपनी गलती मान ली, मुँह से बोल के ना गलती कोई भी मान लेता है, पर दिल से गलती रिलाइज होनी चाहिए कि हाँ तुमने सच्ची में गलत किया था और तुम्हें ना रिलाइज हो रही है वो गलती, बट विशांत को ये सब नहीं हो रहा, ठीक है, मस्ती में है, सोच मस्ती में, फुल मस्ती में, आप लोग भी देख रहे हो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से, क्यों नहीं पड़ रहा, उसके साथ में उसकी रखेल रह रही है, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो में दिखाने के लिए वो मेरे पास आके मस्ती कर रहा है ना, सॉरी मांगने का, माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रहा है ना, तो मैं माफ़ कर, चलो मैंने आपकी मान ली कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, क्या गारंटी है कि वो कल फिर से गलती नहीं करेगा, अरे भाई उसने एक बार गलती थोड़े ना की है, उसने हजारों बार गलती की है, और आप लोगों को पता है, वीडियो है मेरे पास प्रूफ के साथ, मैं रखती थी इन चीज़ों को, ठीक है, वीडियो में, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है कि हाँ आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग अपनी लाइफ को, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ शेयर की हुई है आप लोगों से, मतलब कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है हमारी लाइफ में, तो एक बार नहीं बहुत बार गलती की है, बट इस बार इससे गलती नहीं हुई, आप लोगों को पता है कि इस बार विशांत से गलती नहीं हुई, उसने जानबूझ के किया जो भी किया, अगर वो मजाक कर रहा तो मान ली उसकी बात, वो बोल रहा था कि मैं ना मजाक कर रहा था, ठीक है, अगर वो मजाक कर रहा होता तो वो मेरी फ्रेंड को मतलब कि कसम देता कि तुम्हें उसकी कसम है जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, तुम ना ये बात ना प्रिया को नहीं बताओगी कभी भी, नहीं तो हम में लड़ाई हो जाएगी,
तुमने ऐसा काम किया है, क्योंकि अगर मुझे कोई सामने वाला बताए भी तो हम में लड़ाई हो जाए। और अगर तुमने मजाक किया तुम अपने मुंह से मुझे बता देते ना उसके बताने से पहले, जब तुम्हें ये पता था कि मेरी फ्रेंड है और मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बताएगी, तो उससे पहले तुम ही बता देते मुझे। और पहली बात तो तुमने उसको कसम क्यों दी? इसीलिए ना उस बंदे ने मुझे अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इसने उसको कसम दी थी, ठीक है। और वो तो अच्छी बात है कि वो ना अपने फ़ोन में ना ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन करके रखती है, तो उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही थी और उसने मुझे डायरेक्ट भेज दी। वो कुछ नहीं बताया क्योंकि बंदे ने कसम दे रखी थी, ठीक है। तो उसने इसकी इसका भी मतलब कि वो रखा कि हाँ उसने मुझे कसम दे के नहीं बताया, और उसने अपनी फ्रेंड का भी मान रखा कि हाँ उसकी लाइफ ख़राब ना हो, तो उसने मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दी सीधा, ठीक है। और जिसको ये गलत बोल रहा है ना, वो ही मेरी लाइफ में सबसे बड़े सही हैं। तुम सबसे बड़े घटिया और गिरे हुए इंसान हो विशान, ठीक है। जो इंसान अपनी गलती कभी रियलाइज नहीं कर सकता ना, और ड्रामे दिखा सकता है पब्लिक में कि हाँ मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ये ड्रामे ही है तुम्हारे, ठीक है। जब गलती किसी इंसान को रियलाइज होती है ना, दिल से होती है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ इसको गलती अपनी रियलाइज हो चुकी है। बट मुझे तो कहीं से कहीं तक फील नहीं हो रहा कि तुम्हें गलती रियलाइज़ हो चुकी है। मुझे क्या, हमारी YouTube फैमिली को मतलब कि हमारी पब्लिक को भी ये फील नहीं हुआ है अभी तक कि तुमने अपनी दिल से गलती मान ली है, रियलाइज़ हुई है तुम्हें गलती दिल से, नहीं हुआ है। कमेंट देखती हूँ मैं भी, और कहीं ना कहीं कमेंट तुम भी पढ़ते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है तुम कमेंट नहीं पढ़ते होंगे, तो तुम्हें भी पता है कि पब्लिक को भी ये चीज़ पता है कि तुम्हें अभी तक गलती रियलाइज़ नहीं हुई दिल से, और मुझे भी ये चीज़ पता है, ठीक है। ऊपर से मांगने से माफ़ी ना माफ़ी नहीं होती। आज मैं सबके कहने से, अपनी पब्लिक के कहने से तुम्हें माफ़ कर दूँ, ठीक है। कल अभी तो शादी नहीं हुई, ठीक है, कल के दिन शादी हो जाएगी। तुम तो पता नहीं इससे बड़ी बड़ी गलतियाँ करोगे, मजाक करोगे इससे बड़े बड़े, है ना। कल किसी लड़की के साथ सो के आ जाओगे, फिर कह दोगे मैं तो मजाक में सो के आया हूँ। अरे भाई, ये सारी चीज़ें मजाक नहीं होती। मजाक भी एक लिमिट में होता है, ठीक है, एक हद में होता है मजाक। ऐसे मजाक मैं भी कर लूँ, है ना, किसी लड़के से फ्लर्ट कर लूँ, और अगर तुम्हें पता चल जाए तो बोल दूँ कि यार मैं तो मजाक में कर रही थी, है ना। इंसान को बुरा लगता है, टाइम पास मैं तुमसे नहीं कर रही थी और तुम कर रहे होंगे, ठीक है। जो टाइम पास करते ना उसको बुरा नहीं लगता, जो टाइम पास नहीं करते ना उसको बुरा लगता है, ठीक है। रिंग सेरेमनी कर रही थी, मैं टाइम पास करने वालों में से नहीं हूँ कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा नहीं, मुझे बहुत गंदे गंदे तरीके से बुरा लगा है, ठीक है, जो तुमने ये सब किया है। मन दुखा है अंदर से बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये ड्रामे करना बंद करो कि तुम माफ़ी मांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो। जिस दिन गलती दिल से रियलाइज कर लोगे ना, उस दिन आना मेरे पास। उससे पहले अगर तुम मेरे पास आए तो बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हारी, और आगे जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे, ठीक है। मैं यूट्यूब पर बोल रही हूँ आज सबके सामने ये चीज़, ठीक है। बाकी कुछ नहीं कहना चाहती, मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो भी मैंने ये सब बोला है ना, तो अपनी YouTube फैमिली को ये बोलना चाहती हूँ, आप ना इस पूरी वीडियो को देखना, और पूरी वीडियो में अगर मेरी कोई भी बात गलत लगे ना तब कमेंट करना मुझे, और कुछ भी अगर सही लगे तो भी कमेंट करना, ठीक है। आप मुझे बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ और वो कहाँ सही है, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहती थी। बाकी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अपनी लाइफ स्टाइल के ब्लॉग में, ठीक है। सो बाय, लव यू ऑल।